आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी, कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए सीरियल के मोहल्ले की जानकारी लेकर, भाई जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब अनुपमा में एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी बिगड़ जाती है। अरे हाँ, वनराज काव्य के बच्चे को हमारा बच्चा कह रहा है, लेकिन बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं अभीर की खुशी के लिए खुद को चोट पहुंचाएगा ये मैन्यू। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान, खुद ईशान शांतनु का तलाक करवाने वाला है और पेपर भी तैयार करा लिए हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए भाई रोज़ की तरह आपको हमारा पूरा शो देखना होगा ताकि कोई जानकारी मिस ना हो जाए। चलिए अब सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में बा डिम्पी का नाटक आज भी आपको देखने को मिलेगा। अब डिम्पी बढ़ते दिन के साथ अपनी बदसलूकी में कटौती नहीं कर रही है। तो बातों है ही कड़वी जुबान वाली। अब कोई भी बात बिना ताने मारे कह नहीं सकती है। बस पेट्रोल और माचिस की जोड़ी एक बार फिर भिड़ गई और हो गया विस्फोट। और इस विस्फोट का शिकार बनी है काव्या। इसका कोई लेना देना तक नहीं था। अरे डिम्पी की वजह से काव्या गिर गई है और अनुज को पता चल गया है कि काव्या के पेट में पल रहा बच्चा वनराज का नहीं बल्कि अनिरुद्ध का है। होता ये है कि डिम्पी की सहेलियां भाई घर आई हुई हैं जो बा की रसोई में चप्पल के साथ घुस जाती हैं। अब बा डिम्पी की सहेली से कहती है कि इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ये नहीं पता कि रसोई में चप्पल पहनकर नहीं आते। बस इसी बात पर डिम्पी की सहेली नाराज हो जाती है और बाकी सभी सहेलियों को लेकर चलती बनती है। अब डिम्पी घर में तांडव कर देती है कि बा ने जानबूझकर उसकी सहेलियों के साथ बदतमीजी की और वो लोग घर से चली गई। लेकिन बा कहती है कि समझाने के लिए कहा था तेरी सहेली को, लेकिन आजकल की लड़कियों को कुछ कहना ही बेकार है। अब इसी बीच काव्या दोनों का झगड़ा खत्म कराने के लिए आती है, जहां डिम्पी पानी का गिलास गिरा देती है और काव्या का पैर उस पर आ जाता है और बेचारी फिसल कर गिर जाती है। अब ऐसी हालत में काव्या को अस्पताल में ले जाया जाता है और अनुपमा और वनराज दोनों ही बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। अब वनराज को भी बच्चे की फिक्र होने लगी है, वो बच्चे को अपना बच्चा कहता है। अब डॉक्टर ने भी बताती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले 24 घंटों में भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए काव्या को अस्पताल में ही रहना होगा। अब बच्चे और काव्या की बात सुनकर वनराज पैनिक हो जाता है और अनुपमा से कहता है कि हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं। अब वनराज काव्या के सामने भी बच्चे की चिंता करता है, लेकिन बच्चे को अपना नाम देने से मना कर देता है। अब अनुपमा वनराज को शांत कराने की कोशिश भी करती है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी डरी हुई है क्योंकि बा ने उसे धमकी दे दी है कि अगर बच्चे या काव्या को कुछ भी हुआ तो उसे घर से बाहर निकाल देगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा, इमन्यू, अभीर को ठीक करने में लगे हुए हैं। अब अभिनव की मौत के बाद से ही अभीर डिप्रेशन में चला गया है, वो पूरा दिन सिर्फ अभिनव को याद करता है। अब अक्षु ने अपने बेटे को ठीक करने के लिए फुटबॉल का मैच रखा है, इस वजह से पूरा परिवार भी इस मैच में फंस गया है, लेकिन अभीर मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है। आज के एपिसोड में होता यह है कि अक्षरा अभीर को मनाने की कोशिश करती है कि भाई वो मैच के लिए चले, लेकिन अभीर कोई जवाब ही नहीं देता। अब जैसे ही अक्षरा आगे बढ़ती है तो गिरने वाली होती है, लेकिन अभीर उसे बचा लेता है। अब वो मैच देखने के लिए ही सही लेकिन जा रहा है। अब मैदान में दोनों टीम उतर चुकी हैं। अब लड़कों की टीम अक्षरा की टीम का मजाक बनाती है कि इन लोगों को तो मैच खेलने के लिए बुलाया है, इनको तो आराम करने की ज़रूरत है। अब ये सुनकर अभीर को गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वो मैच दूर से बैठकर देख रहा है। अब मैच शुरू होता है जिसमें अक्षरा की टीम मैदान में मैच खेलने से घबराती है और दूसरी टीम गोल पर गोल कर देती है। अब लड़कों की टीम अक्षरा की टीम पर हंसती है और कहती है कि वाह क्या प्लानिंग हो रही है हमें हराने की, भाई हम भी डर गए। अब अभीर खुद आकर अक्षरा को और बाकी सभी लोगों को मैच खेलने के लिए टिप्स देता है, लेकिन मैच के दौरान अभिमन्यु को चोट लग जाती है। अब टीम के एक खिलाड़ी हो गया है भाई। अब अभिमन्यु के पैर में ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो अभीर को मैच में शामिल करने के लिए ये सब कर रहा है। अब देखना होगा कि इतना सब होने के बाद अभीर मैच खेलता है भी या नहीं, या अक्षरा की टीम जीत पाती भी है या नहीं। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशा के आने से कोई भी खुश नहीं है। अब भोसले परिवार की तो नींद उड़ गई है कि उनका घोटाला कहीं पकड़ा ना जाए। और वहीं ईशान भी परेशान है क्योंकि उसने ईशा के बैग में अपने बचपन की फ़ोटो देख ली है। अब उसे अजीब सी बेचैनी हो रही है जिसे वो संभाल नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईशा को शक हो रहा है कि कॉलेज में कुछ तो गड़बड़ चल रही है,
क्योंकि अचानक से सभी को कॉलेज की तरफ से हॉस्टल दे दिया गया है और उसकी स्कॉलरशिप भी मंजूर कर ली है। इसके अलावा ईशा को पता चलता है कि 10 साल के बाद भी शुक्ला जी को परमानेंट नहीं किया गया है, जो कि गलत है। अब ईशा भोसले कॉलेज की जड़ खोद कर रख देगी। इसी बीच एक गुंडा है जो ईशान के काका ने भेजा है, वो भी लगातार ईशा और सभी पर नज़र बनाए रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ अक्का साहेब ने ईशा को वापस भगाने का प्लान भी सोच लिया है। वो तलाक के पेपर लेकर ईशा के पास जाने वाली है, लेकिन अब ये काम खुद ईशान करने वाला है। वो अपने ही माता पिता का तलाक कराने वाला है। अब देखना होगा कि ईशान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ईशा के सामने तलाक के पेपर रख सके और ईशा का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी जाकर वो घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए, आपसे कल फिर मिलने आएंगे। राम राम।